हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिसमस स्पेशल बनाना वॉलनट चॉकोचिप केक बनाकर दिखाने जा रही हूँ। और यह केक बच्चों को काफी पसंद आती है और इसे घर में बनाना काफी आसान है, क्योंकि ना ही हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की जरूरत है। हमें सिंपली इसे मिक्स करना है और बेक करना है। तो आप इस क्रिसमस मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरी बनाना केक की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कटोरी, मिल्क 1/2 कटोरी, 1 मीडियम साइज बनाना, पिसी हुई चीनी 3/4 कप, 8 से 10 पीस वॉलनट, 1/3 कप ऑफ ऑयल, विनेगर 1 टीस्पून, वैनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, चॉको चिप्स 3 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, चॉकलेट क्यूब्स, मैंने ये ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे चॉकलेट क्यूब्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिसे मैं केक के ऊपर गार्निश करूंगी। नमक 1 बड़ा कटोरा, इस नमक को मैंने पहले भी बेकिंग में यूज किया है तो मैं सेम नमक को केक बनाने के लिए यूज कर रही हूँ। केक टिन, मैंने यहाँ पे एक अल्मोनियम केक टिन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। बनाना को हमें एक फोर्क की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, आप चाहें तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। बनाना को अच्छी तरह से मैश करके इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार कर ले। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें अपनी 1/2 कप ऑफ मिल्क ऐड करेंगे, और अब इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे साइड रख देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 कटोरी मैदा डालेंगे, 3/4 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब छान लेंगे हम अच्छी तरह। और जो ये बची हुई पार्टिकल्स है इसे निकाल कर साइड रख देंगे। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मैश किए हुए बनाना को डाल देंगे, 1/3 कप ऑफ ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस डालेंगे। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने डाल दिया है और इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें चॉको चिप्स ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे तो आप एक बार में पूरे वेट इंग्रेडिएंट्स को ना डालें, इसे 2 से 3 स्लॉट्स में डालें। अगर आप एक बार में पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे तो इसमें लम्प्स फॉर्म हो जाएगा और केक का हमें एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 से 3 बार करके डाला है और इसे मिक्स किया है, और आप इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें तो इससे केक बहुत अच्छा बनेगा। केक को मिक्स करते वक्त कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करें, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड यूज किया है, इस तरह आप इसे मिक्स करें।
बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है। तो अगर आपका बैटर थिक हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मिल्क ऐड करके मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लें। आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें इस तरह बनाकर। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 1 बड़ा कटोरा नमक डालेंगे और इसके बेस में हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम कुकर के सेंटर में एक वायर स्टैंड को रख देंगे, ऑन करेंगे, प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे, लिड बंद करेंगे और ध्यान रहे कि विसल नहीं लगाना है हमें और इसे प्रीहीट करना है हमें 10 टू 15 मिनट्स मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हम केक टिन को ऑयल लगाकर अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और केक टिन को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए इसे कोट कर लेंगे। ऐसा करने से केक हमारा आसानी से बाहर निकल कर आ जाएगा। अच्छे से ग्रीस होकर तैयार है। अब हम केक टिन में बैटर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब हम थोड़ा सा चॉको चिप्स इसके ऊपर डाल, अब हम थोड़ा वॉलनट डालेंगे इसके ऊपर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप वॉलनट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़े चॉकलेट क्यूब्स डालेंगे। चॉकलेट डालने से केक हमारा और भी चॉकलेटी बनकर तैयार होगा। हम इसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि हमारा बैटर अच्छी तरह से केक टिन में सेट हो जाए। हमारा प्रीहीट हो चुका है तो आप सावधानी से लिड को ओपन करें। के सेंटर में मैंने केक टिन को अच्छे से प्लेस कर दिया है और अब हम लिड बंद करेंगे। ध्यान रहे कि विसल हमें नहीं लगाना है। को स्टार्टिंग में हमें 10 मिनट्स हाई टू मीडियम फ्लेम पे बेक करना है और उसके बाद हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट्स बेक करना है। तो टोटल इस केक को बेक करने में हमें 35 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो 40 मिनट्स हो चुका है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर देखेंगे। आप इसे सावधानी से खोलें। देखिए केक बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है और अब हम इसे एक टूथपिक के हेल्प से सेंटर में पिक करके देखेंगे। आप देखिए जरा सा भी बैटर नहीं लगा है, टूथपिक क्लीन है, इसका मतलब कि केक हमारा बेक होकर तैयार है। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। केक को बाहर निकालें और इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने दें। केक ठंडा हो चुका है और अब हम एक नाइफ के हेल्प से इसके किनारों को इसको थोड़ा सा इस तरह आप करते जिससे केक आसानी से निकल जाए और इसे इस तरह से ढककर से आप पलटे इस तरह और थोड़ा सा टैप करें चारों तरफ से और आप देखिए हमारा केक कर तैयार है। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बनाना केक बनकर तैयार हुआ है। हम एक टी स्टेनर में पिसी हुई चीनी लेकर केक के किनारों पर इसे गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। केक बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने। मैं आपको एक पीस कट करके इस बनाना केक का टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा बनाना केक अंदर से भी फुल चॉको चिप से भरा है और ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। बनाना केक कितना सॉफ्ट है। परफेक्ट बनाना केक बनाने के लिए आप दिए गए मेजरमेंट्स को फॉलो करें, बेकिंग टाइम का ध्यान रखें और ऑयल का इस्तेमाल करें जिससे केक और भी ज्यादा मॉइस्ट बनकर तैयार होता है। बनाना केक को आप चॉकलेट सिरप से गार्निश करें और इस क्रिसमस आप बनाना केक जरूर बनाएं और एंजॉय करें।